अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुर्रम इकबाल, कंप्यूटर लेक्चरर, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, मुल्तान। जी मेरा बेटा, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 के बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन उनको डिस्कस करने लगे हैं। हमने लास्ट टाइम 15 नंबर तक डिस्कस कर लिए थे, आज 16 से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, डिफाइन बैंडविड्थ, के बैंडविड्थ क्या है उसके बारे में बात करनी है। मेरा बेटा देखें, बैंडविड्थ है क्या? बैंडविड्थ असल में वो कैपेसिटी है उस मीडिया की जो वो ट्रांसफर कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह एक दिए गए वक्त में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितना डाटा एक मीडिया एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, ये उसकी बैंडविड्थ है। कितना डाटा मूव करेगा, ये उसकी बैंडविड्थ है। तो उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज डिकोडिंग? ये इनकोडिंग डिकोडिंग हम लास्ट टाइम ही डिस्कस कर चुके थे, मैं इसको जरा थोड़ा सा फिर दोबारा बता देता हूं कि सिग्नल दो फॉर्म में है हमारे पास, एक है डिजिटल फॉर्म और दूसरी है एनालॉग। मेरा बेटा बात जेन में रखिएगा कि जब कंप्यूटर में डाटा एग्जिस्ट कर रहा होता है तो वो डिजिटल में होता है, जब उसने मीडिया पर जाना होता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है। तो इसलिए हमें डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है जब हमें उसे डाटा को सेंड करना है, और जब वो डाटा बाहर से दोबारा कंप्यूटर रिसीव करता है फिर वो एनालॉग से डिजिटल में वापस कन्वर्ट होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इनकोडिंग कहते हैं डिजिटल से एनालॉग में जाना, और डीकोड कहते हैं कि दोबारा उसको असली हालत में लेकर आना। तो असली हालत डिजिटल थी, तो एनालॉग से दोबारा डिजिटल में आना, दिस इज डीकोडिंग। उसके बाद बचे अगला सवाल है हमारे पास बेस बैंड, 18 नंबर क्वेश्चन। बेस बैंड मैं वक्त जाया नहीं करूंगा, ये पहले मैंने पढ़ा दिया था, इसको बस शॉर्ट फॉर्म में मैं दोबारा बता देता हूं। बेस बैंड क्या है? बेस बैंड असल में डिजिटल फॉर्म है डाटा की। मैं पहले ये बात कर चुका हूँ, कन्वर्जन करना ज़रूरी होता है डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल। अगर ये मैं कन्वर्जन नहीं करता तो हमारा डाटा बेस बैंड की फॉर्म में है, यानी डिजिटल फॉर्म में ही एक जगह से दूसरी जगह डाटा अगर मूव हो रहा है, डिजिटल फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो बेस बैंड कहलाता है। उसके बाद लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक, 19 नंबर क्वेश्चन है, के एडवांटेजेस बताने हैं किसके? फाइबर ऑप्टिक के। फाइबर ऑप्टिक मेरा बेटा, फाइबर ऑप्टिक के एडवांटेजेस ये हैं कि हाई स्पीड, इसमें सिग्नल्स वगैरह वेस्ट नहीं होते, बहुत स्पीड है इसकी, और ज़्यादा अमाउंट में डाटा आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं, रिलायबल है। और उसके बाद इसमें फाइबर ऑप्टिक एट लाइटर एंड स्मॉलर साइज अवेलेबल, यानी कि लाइटर भी है, यानी कि इतना ज़्यादा वजन वगैरह नहीं है, और स्मॉलर साइज में भी अवेलेबल है कि आप कम डिस्टेंस पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ कोर एंड क्लैडिंग इन ऑप्टिकल फाइबर। तो बेटा ये ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कोर एंड क्लैडिंग क्या है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक आउटर इंसुलेशन होती है इसके अंदर, और फिर एक इस तरह से क्लैडिंग का आता है, क्लैडिंग के अंदर काफी सारे इस तरह से बालों की मानंद इसके अंदर ग्लास वायर्स होती हैं, ग्लास ट्यूब्स होती हैं, जिसके अंदर डाटा एग्जिस्ट कर रहा होता है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सारी की सारी वायर्स का सेंटर पॉइंट ये कोर कहलाता है, और ये जो कवर है ये क्लैडिंग कहलाता है, जो उसे आउटसोर्सेस से सेव रखता है, इसको क्लैडिंग कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे हमारा है कि स्टेट द पर्पस ऑफ इनकोडिंग ऑफ डाटा, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकोडिंग का पर्पस क्या है कि 21 नंबर क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, लेकिन हम इसको ज़्यादा पहले डिस्कस कर चुके हैं लिहाजा टाइम ज़ाया ना करें। यहाँ पर इनकोडिंग वही है कि डिजिटल से एनालॉग में जाना, पर्पज़ इसका यही है कि डाटा जब भी ट्रैवल करता है मीडिया पर तो उसका एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से उसकी ये कन्वर्जन की जाती है। और डिजिटल में डाटा ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता आउटर ऑफ द डिवाइसेस, तो इसको इसलिए हम किस में कन्वर्ट करते हैं? एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई इनकोडिंग इज इम्पॉर्टेंट। और 22 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 22 नंबर क्वेश्चन, वो कह रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल, एनालॉग एंड डिजिटल, इन दोनों में आपने फ़र्क वाजिया करना है। तो बेटा डिजिटल और एनालॉग में, एनालॉग कॉन्टीन्यूअस फॉर्म है, ये कॉन्टीन्यूअस फॉर्म है, और डिजिटल जो है डिस्क्रीट फॉर्म है। ठीक है, एनालॉग को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, डिजिटल एग्जैक्ट वैल्यू में होती है, 0 या 1 पर डिपेंड करती है।
तो इसमें एनालॉग जोन सा है ये मीडिया पर एग्जिस्ट करता है, ट्रैवलिंग में काम आता है, डिजिटल जोन सा है डिवाइसेस पर डिपेंड करता है, ये डिवाइसेस में डाटा जब मौजूद होता है तो ये उसमें आ जाता है। और उसके बाद डिफाइन द टर्म ब्रॉडबैंड, 23 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रॉडबैंड क्या है। ब्रॉडबैंड बच्चे मैंने पहले भी बताया था कि हम डाटा लार्ज अमाउंट में डाटा सेंड नहीं कर सकते थे, वो सेंड करना पॉसिबल कब हुआ, जब ब्रॉडबैंड आया। आप देखते हैं आपके घर में अगर राउटर लगा हुआ है पीटीसीएल का तो उस पर भी ये लिखा होगा पीटीसीएल ब्रॉडबैंड, यानी कि ये डाटा ज्यादा अमाउंट में डाटा जो हम सेंड करते हैं वो ब्रॉडबैंड की वजह से है। हम लोग व्हाट्सएप पर ईमो पर जिस तरह से आजकल वीडियोज पिक्चर्स वगैरह सेंड करते हैं पहले इस तरह से नहीं कर सकते थे, तो अब आकर सेंड कर पा रहे हैं, वजह ब्रॉडबैंड है। उसके बाद बच्चे आगे आ जाएगा हमारे पास बैंडविड्थ, ये पहले डिस्कस हो चुका है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ अब। सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन वेरी इंपॉर्टेंट, सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन। बेटा सीरियल ट्रांसमिशन का मतलब और पैरेलल ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? सीरियल में मतलब हम करेक्टर बाय करेक्टर सेंड करते हैं, सिंगल सिंगल बिट सेंड होती है, यानी कि सीरियल ट्रांसमिशन की अगर बात करूं तो सिंगल सिंगल बिट सेंड होगी, ये 1 बिट है, ये 2 बिट है, ये 3 बिट है, ये 4, ये 5, 6, नंबर ऑफ बिट की बात कर रहा हूँ। तो बिट तो या तो 0 फॉर्म में होती है या 1 फॉर्म में होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और फिर 7 है, फिर 8, यानी 8 बिट है, और 8 बिट हमारी जो सी हैं वो सीरियल फॉर्म में जा रही हैं, एक दूसरे के बाद जा रही है। पैरेलल में क्या है, यही 8 बिट कैसे जाएंगी, ये एक साथ जाएंगी, यानी एक साथ ये एग्जिट करेंगी, तो ये पैरेलल ट्रांसमिशन। इसका मतलब सीरियल ट्रांसमिशन टाइम कंज्यूम करेगा, अगर 8 बिट मैंने सेंड करनी है पहले 1 जाएगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, लेकिन अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो 1, 2, 3, 4 एक ही साथ बाहर जाएंगे, तो इसका मतलब फास्ट ट्रांसमिशन पैरेलल है। पैरेलल की एग्जांपल सबसे बढ़िया आपके पास है प्रिंटर, प्रिंटर पर आप पूरे का पूरा पेज प्रिंट करते हैं तो एक ही साथ पूरे का पूरा पेज ट्रांसफर होता है, डेट इज पैरेलल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन की बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कीबोर्ड, कीबोर्ड पर आप जितने भी बटन प्रेस कर दें एक वक्त में एट अ टाइम एक ही की एक्सेप्ट होती है, डैट्स वाई सीरियल ट्रांसमिशन की इस तरह से एग्जाम्पल है। उसके बाद स्पीड का उन्होंने बताया हुआ, स्पीड का मैंने भी आपको बता दिया, फास्ट ट्रांसमिशन पैरेलल है और स्लो सीरियल है। उसके बाद है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन असल में फाइबर ऑप्टिक के ऊपर है, जो फाइबर ऑप्टिक में लास्ट टाइम बताया था कि ग्लास ट्यूब्स के अंदर जो डाटा ट्रैवल करता है वो रिफ्रैक्शन की फॉर्म में करता है, तो रिफ्रैक्शन असल में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा रहा है, तो ये फाइबर ऑप्टिक के अंदर सारा काम हो रहा है। उसके बाद 27 नंबर है डिफरेंशिएट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, 27 नंबर क्वेश्चन है कि सेंडर एंड रिसीवर, बेटा बेटा सेंडर सोर्स है, रिसीवर डेस्टिनेशन है, सेंडर वो जो डाटा सेंड कर रहा है, रिसीवर वो जो डाटा रिसीव करेगा, डेस्टिनेशन आप कैसे मंजिल कह सकते हैं कि जहां पर डाटा जाकर पहुंचना है, जहां पर वसूल किया जाएगा, डैट इज रिसीवर। और उसके बाद एनालॉग सिग्नल है, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। और फिर पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन सेटेलाइट, लास्ट टाइम ये भी डिस्कस हुआ था लेकिन दोबारा बता देता हूं, कम्युनिकेशन सेटेलाइट क्या है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट, मेरा बेटा कम्युनिकेशन सेटेलाइट में यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि ग्लोब पर हम पोल सेट करते हैं सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे आ जाते हैं कि जहां पर हम पोल सेट नहीं कर सकते, तो हमने अब वो अगर सफर तय करना है ये वाला, तो हम क्या करेंगे, हम स्पेस में एक स्टेशन सेट कर देंगे, अब यहां से सिग्नल स्पेस में सेंड किया जाएगा और स्पेस से दोबारा आगे अर्थ पर आएगा, इसे अर्थ स्टेशन कहते हैं, इसे स्पेस स्टेशन कहते हैं। ये जो सिग्नल अब यहां से स्पेस की तरफ जा रहा है ये असल में कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट सिग्नल है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम इसको, और ये मैंने पहले ही बताया था 22,300 माइल्स तक का ये सफर तय कर सकता है जमीन से ऊपर। फिर वो कह रहा है कि हाउ डज माइक्रोवेव सिस्टम वर्क, कि माइक्रोवेव क्या है, माइक्रोवेव डाटा ट्रांसमिशन असल में पोल टू पोल ट्रांसमिशन भी आप कह सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ लाइन में जाता है। मैं लिख देता हूं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव क्या है बेटे, माइक्रोवेव असल में पोल टू पोल, ये जो ये ट्रांसमिशन थी ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है।
जो पोल टू पोल, ये स्ट्रेट ऑफ लाइन में जाती है, इसको बेंड नहीं कर सकते कि आपने एक पोल यहां पर सेट कर दिया और दूसरा पोल यहां पे सेट कर दिया, अब आप कर रहे हैं कोशिश कि सिग्नल इस तरह से खुद टर्न हो जाए, लेकिन इस तरह नहीं होगा। आपको उसकी सीध में ही, उसकी स्ट्रेट लाइन में ही आपको आगे पोल सेट करना होगा। ये माइक्रोवेव आपकी, जैसे घर में खाना वगैरह आप गर्म करते हैं उसमें भी इस्तेमाल आता है, तो वो भी माइक्रोवेव सिग्नल है। उसके बाद इनकोडर फिर आ गया, पहले भी डिस्कस हुआ है, मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपका देखिए सिग्नल वगैरह आपने स्प्रेड किया हुआ है, जो भी डिवाइस उस रेंज में आ जाएगी तो वो उसका सिग्नल एक्सेप्ट कर लेगी और उसको यूज़ करना शुरू कर देगी। मोबाइल कम्युनिकेशन भी हमारा एग्जिस्ट करता है, ये उसका वायरलेस की ही एग्जाम्पल है, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डाटा, टेक्स्ट फॉर्म मैंने आपको पहले बताया था जिसमें ए बी सी 1 2 3 डॉट कॉमा ब्रैकेट सब कुछ आ जाता है, न्यूमेरिक में सिर्फ नंबर फॉर्म आ जाते हैं 1 2 3, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस पर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, डेट इज न्यूमेरिक। टेक्स्ट पर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद है कि हाउ डाटा रिप्रेजेंट इन कंप्यूटर, बेटा कंप्यूटर में डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है 0 और 1 की फॉर्म में, कि या तो वो 0 होगा या फिर वो 1 होगा, इस तरह से कम्बिनेशन होगा इसका, ठीक हो गया। उसके बाद बिट एंड बाइट, बेटा बिट एक बिट कहलाता है, एक बिट, ठीक है, वो 0 होगा या 1 होगा। 8 बिट मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक बाइट बनेगा, ठीक हो गया। बाइट 8 बिट से मिलकर बनता है। फिर उसके बाद है एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन, बेटा दो तरह की ट्रांसमिशन होती है, एक आपने पहले पढ़ी सीरियल ट्रांसमिशन, पैरेलल ट्रांसमिशन, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन था, अब ये टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन में आ गया एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। इसमें बेटा या तो इस तरह से होता है कि एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस, एसिंक्रोनियस करेक्टर बाय करेक्टर जाती है और सिंक्रोनियस जो सा है कंबिनेशन ऑफ करेक्टर जाते हैं, यानी कि फर्ज करें मैंने लिखा हेलो, तो अगर एसिंक्रोनियस है तो पहले सिर्फ एच जाएगा, फिर एल ई, फिर एल, फिर एल, फिर ओ, सिंगल सिंगल करेक्टर जाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें पूरे का पूरा हेलो भी आ सकता है और हाफ भी आ सकता है कि इसके दो पोर्शन बन जाएं, एल ओ, एच ई डबल एल है तो एच ई एल यहां और एल ओ यहां पे, यानी पूरे हेलो को उन्होंने दो बॉक्स में डिवाइड कर दिया और ये दोनों बॉक्स अब सेंड हो जाएंगे। तो ये सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है, जो सिंगल सिंगल करेक्टर जा रहा है ये एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है। तो बेटा यहीं पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जितने थे वो सारे मुकम्मल हो गए और उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, और जो इसमें सवाल हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या अपने मुतलका टीचर को व्हाट्सएप करें, जो मेरे स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल उनको उनका जवाब दूंगा। और अपना ख्याल रखिएगा, इसको अभी बैठकर याद कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।